दोस्तों बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकार दीपिका पादुकोण ने अभिनेता रणवीर सिंह से शादी कर ली है। हाल ही में यह स्टार कपल इटली के लेक कोमो में शादी करके लौटा है। अब ये दोनों बेंगलुरु में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रिसेप्शन पार्टी देने वाले हैं। इसके लिए दीपिका और रणवीर बेंगलुरु पहुंच भी गए हैं। इस बीच दीपिका ने आज शाम शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को खास तोहफा दिया है। शादी की सभी तस्वीरों में दीपिका और रणवीर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ने 14-15 नवंबर कोंकणी और सिंधी रीति रिवाजों से शादी की है। शादी के दौरान उनकी ज्यादा तस्वीरें मीडिया के सामने नहीं आ सकी। दीपिका पादुकोण द्वारा तस्वीर शेयर करने के बाद यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। इससे पहले दीपिका और रणवीर की मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर भी देखने को मिली है। इटली से जैसे ही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें शादीशुदा लुक में देखने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ जुट गई। हर कोई इस स्टार कपल की एक झलक देखने के उतावला नजर आया। इससे पहले दीपिका और रणवीर की शादी के मंडप की तस्वीर देखने को मिली जिसमें ये दोनों हंसते हुए दिखे। दीपिका और रणवीर ने एक साथ सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया। मुंबई की तस्वीरों से पहले इन दोनों की शादी की तस्वीरें भी देखने को मिली। शादी में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सब्यसाची की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। कोंकणी रीति से हुई शादी में दीपिका सुनहरे और लाल रंग के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहने हुए हैं। इसके साथ ही सोने की पारंपरिक ज्वेलरी पहने हुए हैं। शादी की एक तस्वीर में यह जोड़ा कह डा रहा है। इन तस्वीरों में दीपिका और रणवीर गुलाबी रंग के कपड़ों में नजर आए। सिंधी रीति से हुई शादी में दीपिका ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था तो वहीं रणवीर गुलाबी रंग की शेरवानी के साथ उसी रंग की पगड़ी पहने हुए हैं, जबकि दीपिका बड़ा सा मांग टीका और हाथ में लाल रंग के चूड़े के साथ कलीरे पहनी हुई है। शादी से पहले इस कपल ने एंगेजमेंट की सगाई और मेहंदी की ज्यादा तस्वीरें तो सामने नहीं आई, लेकिन डांस करते हुए और वीडियो और तस्वीरें जरूर आई है। संगीत सेरेमनी की इस तस्वीर में दीपिका ऑफ व्हाइट कलर का शरारा पहने नजर आई थी, वहीं रणवीर सिंह ने ब्लैक कलर का कुर्ता पायजामा पहना हुआ है। शादी से पहले दीपिका और रणवीर की हल्दी रस्म हुई थी जिसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही है। रणवीर के घर से हल्दी रस्म की कुछ तस्वीरें आई थी। रणवीर के घर के फूलों से सजाया गया था। रणवीर की सफेद कुर्ता पायजामा पहने और तिलक लगाए हुए दिखाई दिए थे। हल्दी की रस्म से पहले दीपिका की मां उजाला दीप पादुकोण ने नंदी पूजा रखी थी। ये पूजा दीपिका के बेंगलुरु स्थित घर पर हुई। दीपिका की शादी की रस्में नंदी पूजा से शुरू हुई थी। आपको बता दें नंदी बैल को भगवान शिव की सवारी कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि नंदी को मन की बात बता देने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। बेंगलुरु में इस पूजा की बहुत मान्यता है। इन तस्वीरों के अलावा दीपिका और रणवीर की शादी की कई और तस्वीरें वायरल हो रही है। यह वह तस्वीरें शादी के दौरान की है जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। कोंकणी रीति से हुई शादी के दौरान दीपिका की एक और तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में हालांकि दीपिका का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने काले रंग की छतरी से चेहरा छिपा लिया था। एक तस्वीर में यॉट से बाराती वेडिंग वेन्यू पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपिका और रणवीर की शादी कोमो झील के पास स्थित विला डेल बाल्बिनेलो में हुई थी। कोंकणी रीति से हुई शादी में विला को बेशकीमती सफेद रंग के फूलों से सजाया गया था। कहा जा रहा है कि विला को सजाने के लिए करीब 8,000 फूलों का इस्तेमाल किया गया। शादी कोंकणी रीति से पहले हुई थी, इस वजह से रस्म के मुताबिक विला की सजावट सफेद रंग के फूलों से हुई थी। यहाँ विला एक म्यूजियम है, इस वजह से वहाँ मेहमानों के रुकने का इंतजाम नहीं हो सकता था। मेहमानों के रुकने की व्यवस्था विला से दूर रिजोर्ट में की गई थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी के दौरान यह तस्वीर भी खूब चर्चा में रही। इस तस्वीर में विला में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें दीपिका रणवीर के रिसेप्शन की तो 21 नवंबर को बेंगलुरु के होटल द लीला में एक शानदार पार्टी होगी। यह रिसेप्शन दीपिका के पेरेंट्स की तरफ से है। उन्होंने होटल के सबसे बड़े हॉल बॉलरूम को रिसेप्शन के लिए बुक किया है। बताया जा रहा है कि होटल में सेलिब्रेशन के लिए छोटे बड़े मिलाकर कुल 18 वेन्यू है। ग्रैंड बॉलरूम का साइज 4400 स्क्वायर फीट है। सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें थिएटर स्टाइल में 600, क्लासरूम में 240, यू शेप में 80, बोर्डरूम में 80, सिट डाउन बूफे में 240, क्लस्टर स्टाइल में 200 की कैपेसिटी है। ग्रैंड बॉलरूम के इस हॉल में कुल 800 लोग एक बार में आ सकते हैं। ग्रैंड बॉलरूम को डिनर के लिए बुक करने पर प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए का खर्च आता है, यानी 500 लोगों का प्रोग्राम हो तो 15 लाख रुपए खर्च में होंगे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए इसे बुक किया जाता है तो प्रति व्यक्ति 7200 रुपए का खर्चा आता है। बता दें दीपिका और रणवीर ने अपनी शादी में करीब 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा दीपवीर ने मुंबई के जुहू इलाके में 50 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शादी, घर और दो रिसेप्शन पर दीपवीर ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।